क्या आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ भारत में व्यापार करने के लिए नहीं बनाई गई थी। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई भारतीय होगा जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम नहीं सुना होगा। ये कंपनी अपने व्यापार करने के तरीके और अपनी फूट डालो राज करो नीति के कारण पूरी दुनिया में बदनाम रही है। लेकिन सबसे ज्यादा इसको तब जाना जाने लगा जब इसके कदम भारत में पड़े और एक लंबे समय तक व्यापार करने के बाद भारत को गुलाम बना लिया। भारत पर शासन कर रहे मुगलों पर जिस तरह से अपनी पकड़ मजबूत करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना विस्तार किया, उसे भुलाया नहीं जा सकता। इसने वो समय भी देखा जब हिंदुस्तान में चारों तरफ उसका ही डंका बजता था। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई कैसे? वो कौन शख्स था जिसकी कोशिश के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के कदम भारत में पड़े? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जितेंद्र राठौड़ के साथ हमारा यूट्यूब चैनल फैक्ट्स बकेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे दिए हुए लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सन 1600 की शुरुआत में कुछ अंग्रेज व्यापारियों ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से भारत में व्यापार करने की इजाजत मांगी। व्यापार करने के लिए एक कंपनी की जरूरत थी, इसलिए ईस्ट इंडिया नाम से एक कंपनी का निर्माण किया गया और इसके बाद पूरी तैयारी के साथ इंग्लैंड से हेक्टर नाम का एक जहाज हिंदुस्तान जाने के लिए तैयार किया गया। ये एक मर्चेंट शिप था और इस जहाज का नेतृत्व विलियम हॉकिंस कर रहा था। उस समय सूरत भारत का प्रमुख व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। शुरुआत में हॉकिंस व्यापार की नीति से ही भारत आया था, इसलिए उसने राजदूत के रूप में उस समय के सत्ताधारी मुगल बादशाह जहांगीर के पास जाकर हाजिरी लगाई। इसलिए सबसे पहले सूरत के बंदरगाह पर जाकर ये जहाज रुका। चूंकि वो इंग्लैंड की महारानी का राजदूत बनकर आया था, इसलिए जहांगीर ने भारतीय परंपरा के अनुसार अतिथि का विशेष स्वागत किया। शायद उस वक्त जहांगीर इस बात से अनजान रहे होंगे कि जिस अंग्रेज कौम के नुमाइंदे का वो स्वागत कर रहे हैं, एक दिन उसी कौम के वंशज भारत पर शासन करेंगे और भारत को अपना गुलाम बना लेंगे। हॉकिंस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि वो पुर्तगालियों को अपने रास्ते से कैसे हटाए, क्योंकि अंग्रेजों के आने से पहले पुर्तगाली भारत में आ चुके थे और साथ ही वो जहांगीर को भी प्रभावित कर चुके थे। इसलिए हॉकिंस ने जहांगीर को पुर्तगालियों के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। शुरुआत में उसे समस्या हुई, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी योजना में कामयाब रहा। यही नहीं, वो जहांगीर से कुछ विशेष अधिकार लेने में भी सफल रहा और इसके बाद हॉकिंस ने पुर्तगालियों के जहाज को लूट लिया। असल में हॉकिंस जल्द से जल्द सूरत में पुर्तगालियों का व्यापार ठप कर देना चाहता था ताकि उसका रास्ता साफ हो सके। कुछ समय तक व्यापार करने के बाद 6 फरवरी 1613 को हॉकिंस ने बादशाह जहांगीर से एक शाही फरमान जारी करवा लिया। इसके तहत अंग्रेजों को सूरत में कारखाना बनाकर व्यापार करने की इजाजत मिल गई। इसी के साथ जहांगीर ने ये इजाजत भी दे दी, उसके दरबार में इंग्लैंड का एक राजदूत रह सकता है। इसके लिए थॉमस रॉय को 1615 में राजदूत बनाकर भारत लाया गया। सभी दूसरे अंग्रेज इस बात को जानते थे कि रॉय अपनी कूटनीति के लिए पूरे ब्रिटेन में मशहूर था, इसलिए थॉमस रॉय को भारत बुलाया गया था। उसके बारे में कहा जाता है कि वो इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ के सबसे करीबी लोगों में से एक था। रॉय जल्द ही अपनी जिम्मेदारी को समझ गए और उसने अपना काम शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने सभी मामलों को अच्छी तरह से समझा और फिर रुकावटों को दूर करने की योजना बनाई। अपने रिसर्च में उसने पाया कि अगर उसे भारत में व्यापार करना है तो दोबारा से एक शाही फरमान हासिल करना होगा। इसके लिए उसने हॉकिंस की मदद ली और जहांगीर के दरबार में पहुंच गया। वहां वो अपनी कुशलता से जहांगीर को रिझाने में सफल रहा। अपने संवाद से वो जहांगीर को यह भरोसा दिलाने में भी सफल रहा कि अंग्रेज पुर्तगालियों से ज्यादा ताकतवर हैं। वो न सिर्फ भारतीयों को ज्यादा मुनाफे के साथ कारोबार कराएंगे बल्कि उन्हें सुरक्षा भी देंगे। उनकी ये बात जहांगीर को पसंद आ गई और दोनों के बीच ये तय हुआ कि कंपनी को व्यापार करने के लिए विशेष अधिकार दिए जाएंगे। इस तरह रॉय 1615 से 1618 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए स्पेशल पावर्स हासिल करने में सफल रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी को जैसे ही विशेष अधिकार मिले, उसने अपने कारखाने लगाना शुरू कर दिए। एक के बाद एक सूरत, बहरामपुर, अहमदाबाद और आगरा में फैक्ट्रियां खोल दी गई। बंगाल का इलाका समुन्द्र तट से लगा हुआ था, इसलिए उसे भी व्यापार के लिए चुना गया और यहाँ भी फैक्ट्रियों की स्थापना की गई। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व पूरे भारत में बढ़ता गया। जिस कंपनी के लिए कभी पुर्तगाली मुसीबत हुआ करते थे, वो कंपनी उनके वर्चस्व को खत्म करते हुए भारत में मजबूती से स्थापित हो चुकी थी। इतिहास गवाह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे हिंदुस्तान में कितनी तेजी से अपने पांव पसारे। किसी भारतीय ने कभी नहीं सोचा होगा कि एक छोटी सी पूंजी के साथ हिंदुस्तान में आने वाली कंपनी 200 साल तक भारत पर राज करेगी। आप कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।